हे गाइस, वेलकम टू HS टेक जोन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं MIUI 10 के न्यू शेड्यूल के बारे में कि ये क्यों लेट हुआ है और क्या क्या परेशानी है और क्या क्या आपको न्यू मिल सकता है अगर ये अपडेट लेट होता है तो आपको ही इसका फायदा होगा। दोस्तों, आपको क्या फायदा होगा, तो इन सभी की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपको बताने वाले हैं यहाँ पर MIUI 10 ग्लोबल शेड्यूल जो थोड़ा सा लेट हो गया है, तो उन सभी की जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी वो डिवाइस है जो यहाँ पर सेकंड बैच या फिर थर्ड बैच में आता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब पास वाले नोटिफिकेशन का आइकन आएगा आपने इस पर क्लिक कर देना है ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानती हैं, जो सभी के सभी यूट्यूबर्स हैं उसके उन सभी का भरोसा होता है टिम पर, क्योंकि दोस्तों ये एक सुपर मॉडरेटर हैं यहाँ पर MI कम्युनिटी के, रशिया के। दोस्तों, ये क्या करते हैं यहाँ पर, इन्होंने ये अपडेट जो थ्रेड बनाया है ये पुराना बेशक हो गया है लेकिन ये क्या करते हैं, इसे अपडेट करते रहते हैं, जाने के एडिट करते रहते हैं। तो आप डेट पर ना जाकर, तो आप अगर चेक करते रहेंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, जब भी यहाँ पर कोई भी अपडेट आती है तो ये क्लिकेबल हो जाती है, जबकि जिसके लिए अपडेट नहीं आती है वो क्लिकेबल नहीं होती है। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको ये जो अपडेट लेट हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर लेट होने का थोड़ी सी वजह ये आ रही है, MI वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, पोर्ट्रेट मोड पर वर्क कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो Redmi Note 4 के ना जो पोर्ट्रेट मोड पर वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, दोस्तों उनके से शायद Redmi Note 4 वालों को पहले ही अपडेट में यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड देखने मिल सकता है। दोस्तों, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन दोस्तों अगर लेट हो रहा है तो फ़ायदा आपका ही होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीचर मिलेंगे, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड वगैरह और फेस अनलॉक वगैरह डेवलप किए जा रहे हैं आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर शेड्यूल की। तो शेड्यूल जो पहले तो यहाँ पर ये वाले डिवाइस आ चुके हैं जो मिड सितंबर लेकर एंड ऑफ सितंबर तक, तो इन्हें तो मिल चुका है बस एक Redmi 6 Pro को छोड़कर। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो बाकी के डिवाइस हैं, जो सेकंड बैच के डिवाइस हैं, तो उनके लिए चेंज हुआ है। वो तो मैं बता दूं, बस एक Redmi Y1 और Redmi Y1 Lite के लिए खुशखबरी है कि उन्हें अक्टूबर महीने के दौरान मिलेगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर जिन्हें अक्टूबर महीने के दौरान मिल सकता है। तो दोस्तों, ये कंफर्म नहीं है कि अक्टूबर महीने के दौरान ही मिलेगा, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ी हो जाए तो थोड़ा लेट भी सकता है। चलिए यहाँ पर बताते हैं आपको नाम जो जिन्हें मिड अक्टूबर में बताया गया है। मिड अक्टूबर का मतलब कि लास्ट अक्टूबर तक, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे डिवाइस होते हैं, अगर एक एक दिन का गैप भी देंगे तब भी लास्ट अक्टूबर तक पहुँच जाएंगे, वो शायद नवंबर तक ना पहुँच जाएँ। तो यहाँ पर जो MI सीरीज के पहले डिवाइस आ रहे हैं, MI Note 3, MI 5S, MI 5S Plus, MI Max, MI Max Prime, MI Max 2, MI Max 3। इसके बाद में दोस्तों जो Redmi सीरीज के डिवाइस आ जाते हैं, Redmi Note 5 और Redmi Note 5A Prime। दोस्तों, इन दोनों डिवाइसों को, ये लास्ट वाले Redmi सीरीज के डिवाइस हैं, Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Prime, इन दोनों को Redmi Y1 और Redmi Y1 Lite भी कहते हैं इंडिया में। तो दोस्तों, इनके लिए जो नाम आ रहा है वो मिड अक्टूबर आ रहा है, यानी कि लास्ट अक्टूबर तक आपको अपडेट देखने मिल सकता है। तो उसके बाद बात करते हैं जो बाकी डिवाइस जो पहुंच गए हैं थोड़े से ओल्ड लेट, जो सेकंड बैच के डिवाइस थे, तो पहुंच गए यहाँ पर दी बिगिनिंग ऑफ नवंबर, यानी कि नवंबर 20 तारीख तक। इससे पहले तो अपडेट नहीं मिलने वाला शायद, लेकिन दोस्तों कंफर्म नहीं होता यहाँ पर कुछ भी। तो इसके बाद में यहाँ पर जो नाम आ रहे हैं उनके नाम आ रहे हैं Redmi Note 4 और Redmi Note 4X Qualcomm। ये दोस्तों जो Redmi Note 4 है वो इंडिया वाले की बात हो रही है। इसके बाद में Redmi 4X, Redmi 4A, Redmi 5A, Redmi 5। दोस्तों, इन सेकंड बैच के डिवाइसों का यहाँ पर नवंबर महीने के दौरान अपडेट देखने मिल सकता है। इसके बाद में यहाँ पर नाम आया था थर्ड बैच के डिवाइसों का, तो ये थर्ड बैच के वे डिवाइस हैं जिन्हें लास्ट नवंबर में सकता है या फिर दिसंबर के शुरुआत में सकता है। तो दोस्तों, इनके नाम है यहाँ पर MI 3, MI 4, Redmi Note 3, Redmi Note 3 Special Edition, Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi Note 4 MTK, Redmi 4 Prime। दोस्तों, ये हैं थर्ड बैच के डिवाइस जिन्हें यहाँ पर सबसे लास्ट में अपडेट मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट में लिखा हुआ है इन्होंने, दी अबव अपडेट्स रिलीज डेट आर अप्रोक्सीमेट एंड सब्जेक्ट टू चेंज फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन, वी विल बी कीप यू अपडेटेड विद द लेटेस्ट न्यूज, प्लीज स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, इन्होंने बताया है कि ये जो डेट है ये अप्रोक्सीमेट है, ये कुछ ना कुछ रीजन की वजह से चेंज हो सकती हैं। दोस्तों, इसलिए आपने क्या कहना, बार बार चेक करते रहना। दोस्तों, वैसे मैं यहाँ पर जब भी थोड़ा चेंज होता है तो मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आ जाता हूँ कि ये चेंज हो गया है Xiaomi इस बार, कि आपकी जो फिक्स डेट नहीं बता रहा है, लेकिन ये जो मॉडरेटर होते हैं इन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान होता है इस बारे में, तो ये दोस्तों अपडेट थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कभी भी दोस्तों पहले तो आता नहीं, हमेशा लेट ही हो जाती हैं अपडेट्स। तो इसलिए आपको क्या करना, बार बार चेक करते रहना लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। आपने लेटेस्ट न्यूज़ के लिए जब भी चेंज होगा तो आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों जब भी जरा सा भी चेंज होगा यहाँ पर तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कि अब ये चेंज हो गया है तो इन डिवाइस को कब तक मिलेगा, और ये सारी जानकारी मैं लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में ये सी जानकारी आप सभी की तरफ जानकारी प्राप्त होगी होगी। अगर फिर भी अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो दोस्तों मुझे कमेंट में अवश्य बताइए, मैं आपका कमेंट में जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब
तक आपका दिन शुभ रहे।